दिल करता है कि आपको हर एक पल याद रहे, यहाँ की खुशबू, यहाँ का मौसम, आप किसके साथ थे, आपने क्या किया, क्या खाया, सब कुछ। वर्किंग मदर्स होने का मतलब शायद आपको अच्छे से सोने का वक्त भी ना मिले, आपके पास खुद के लिए वक्त ही नहीं होता जब आपका सारा वक्त आपके बच्चों में ही गुजरता है। हम सभी अपनी मम्मा को याद रखते हैं पर उनके अंदर की औरत को नहीं। बिना माँ के तो ये दुनिया बिल्कुल ही अधूरी है। वेलकम टू व्हाट नॉट टू वेयर, आज हम एक घरेलू मामा को बनाएंगे स्टाइलिश मामा। अकी नजूला एक रेनाउंड फैशन डिजाइनर, ट्रेंड सेटर और बॉलीवुड के फेवरेट स्टाइलिस्ट। रॉयल बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और काफी टैलेंटेड एक्टर सोहाली खान। ये चेक करेंगे आपका वार्डरोब और हटाएंगे ओल्ड फैशन क्लोथ को ताकि आपको मिले एक ग्रेट पर्सनल स्टाइल जो है आपकी पहचान। ये बनाएंगे आपको स्टाइलिश और देंगे आपको नया लुक। इनका बस एक ही कहना है, व्हाट नॉट टू वेयर इंडिया। 46-year-old शिल्पा गोराडिया मुंबई की वुमन है। उनकी दो बहुत ही प्यारी बेटियां हैं। 19 साल की उम्र में ही शादी करके उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। एक वाइफ होने के नाते, एक बहू होने के नाते दूसरों के बच्चों को देखना, साथ ही खुद के बच्चों की भी देखभाल करते करते वो खुद की देखभाल करना बिल्कुल भूल ही गई है। कई सालों से घर, परिवार और साथ ही अपने बिजनेस का ध्यान रखते रखते वो अपना ध्यान रखना भूल चुकी हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि उनका खुद का स्टाइल ही कहीं खो गया है। उन्हें वो सारे डल कलर्स नहीं पहनने चाहिए और उन्हें वो सारे कर्टन प्रिंट्स और वो बेडशीट प्रिंट्स वाली कुर्ती तो फेंकी देनी चाहिए। शिल्पा की डॉटर्स ने उन्हें नॉमिनेट किया है और वो चाहती है कि उनका स्टाइल वापस आ जाए। प्लीज मॉम, आप पहले जैसी बन जाइए। क्या वो तैयार हो जाएंगी अपना स्टाइल और अपनी पहचान को दोबारा लाने के लिए? देखते रहिए। हम शिल्पा की डॉटर साशा के डांस स्टूडियो में हैं और शिल्पा को लगता है वो यहाँ एक बिजनेस मीटिंग के लिए आ रही है, पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हम उनके कुर्ता स्टाइल लुक को चेंज करने वाले हैं। मुझे रुका नहीं जा रहा है। लेट्स गो। हेलो। क्या है ये सब, समझ नहीं आ रहा क्या है ये सब एग्जैक्टली? हम बताएंगे आपको। सब ने मिलकर मुझे बुद्धू बनाया है। मैं हूँ सोहाली खान और मैं हूँ अकीना रूला। हाय, हाउ आर यू? हाय। ये है पीएलसी के शो व्हाट नॉट टू वेयर इंडिया। माय गॉड। हमने सुना है कि आप एक बहुत अच्छी बिजनेस पार्टनर हैं। ओह माय गॉड। एक लविंग मदर हैं, एक डिवोटेड वाइफ हैं, पर आप खुद को ज्यादा समय नहीं देती हैं और अपनी स्टाइलिंग को भी। हाँ ये सच है। आप मानती हैं? इस बात को मानती हैं। आपकी डॉटर ने हमें बुलाया है और उन्होंने आपके बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं। आप ब्यूटीफुल हैं, लविंग हैं, केयरिंग मदर हैं, पर दिखने में तो आप बहुत सिंपल हैं और बहुत बोरिंग हैं। हम आपकी स्टाइलिंग की बात कर रहे हैं। स्टाइलिंग को लेकर तो आपको ये मेकओवर गिफ्ट किया जा रहा है ताकि आप पहले जैसी फिर से दिख सके। ओके। हमें लगता है कि आप उन सभी विमेन के लिए एक इंस्पिरेशन हैं जो कि अपने बारे में भूल चुकी हैं। भले ही आप बिजी हैं, घर के बाकी कामों में उलझी हुई हैं और इसकी वजह से अपना स्टाइल भूल चुकी हैं, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा काम है आपको फैशनेबल बनाना और आपके ट्रू स्टाइल को बाहर लाना। ओके, शायद मैंने खुद इस बात को नोटिस नहीं किया है, पर आप पहले किया करती थी और अब भी कर सकती हैं। आपको एक बात बतानी है, पिछले कुछ दिनों से साशा, नताशा और आपके कुछ फ्रेंड्स और फैमिली की हेल्प से हम चोरी से आपका वीडियो बना रहे हैं। ओह माय गॉड। हाय। हाय मॉम। हाय। हाय। हाउ आर यू? हाय, गुड, नाइस टू सी यू। हर कोई आपके लिए करना चाहता है। हाँ? तो हम आपको देंगे 30,000 रुपीज जिससे आप करेंगी शॉपिंग एक ब्रांड न्यू वार्डरोब के लिए। Oh my God, तो क्या आप ये कहेंगे कि हाँ मैं तैयार हूँ अपनी वार्डरोब और अपने स्टाइल को बदलने के लिए? हाँ, जरूर। तो ये लीजिए कार्ड। थैंक यू। एंड थैंक यू शो का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू।
तो जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास आपका वीडियो है, देखते हैं। तो वो आप हैं, तीन अलग अलग कुर्ताज में। हाँ, मैं उसमें कंफर्टेबल रहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मुझे लगता है कि मैं इनमें मोटी नहीं लगूंगी। मोटी नहीं लगेगी, फैट नहीं नजर आएगा। पर दिखने में ये अच्छे नहीं लगते हैं। ओके। आपको राइट फिट पहनना चाहिए। हाँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि टाइट फिटिंग हो। सही। हमें सिर्फ सही शेप और सही सिल्वेट को पहचानना है। सही कह रही हैं। जिसमें स्लिम भी लगेंगी। जी हाँ। थोड़ा सा और फेमिनिन लुक चाहिए, जैसे कि सिल्क फैब्रिक पहने जिसमें कम एम्ब्रॉयडरी हो, बस आपके कॉटन बॉक्सेस कुर्ताज ना हो। आगे देखें। मुझे एक कन्फेशन करना है। आपको लगा होगा कि साशा के करियर को लेकर ये एक तरह का इंटरव्यू चल रहा है, क्योंकि वो मीडिया में काम करती है, पर ये हमारी प्रोडक्शन टीम है। मैंने क्रीम बेज ट्राउजर्स पहने हैं। ये एक ट्यूनिक है, एक सिल्क ट्यूनिक जिसमें फ्लोरल प्रिंट है और लाइट कलर भी है। मुझे पैंट्स, कुर्तीज, जीन्स पहनना पसंद है क्योंकि मैं उनमें कंफर्टेबल फील करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं सही कलर के आउटफिट्स नहीं खरीदती हूँ अपने लिए। मैं डल और लाइट शेड्स लेती हूँ, मुझे लगता है कि वो मेरी स्किन टोन के साथ जाते हैं। पर डल कलर से आप और भी डल लगेंगी। जी हाँ, ये लोग भी मुझे यही कहते हैं, लेकिन ब्लू लीजिए, एमरल्ड ग्रीन लीजिए, यू नो रिच ज्वेल्ड इंडियन टोन्स लीजिए। तो आगे देखें। हाँ, मेरी मॉम का परफेक्ट फिगर था, जैसे आजकल के रैंप मॉडल्स का होता है। मेरे पापा हमेशा से ही मम्मा को सपोर्ट करते आए हैं ताकि वो स्टाइलिश लगे और काफी ट्रेंडी और फैशनेबल लगे। तो बहुत पुरानी है। या ओके, मैं कहना चाहता हूँ कि उस पिक्चर ने मेरे तो होश ही उड़ा दिए हैं। स्टनिंग। मुझे भी आप बेहद स्टनिंग लगी, बहुत ही कूल लगी। आप तो अपनी डॉटर से भी ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, ये सच है कि आप उनसे भी ज्यादा स्टाइलिश हैं। पापा भी हमेशा से यही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अपनी मम्मा की फोटोज देखो और सीखो कि किस तरह के कपड़े वो हमारी शादी से पहले पहना करती थी। हाँ, जब भी ये लोग घर से बाहर जाते हैं तो मैं ही सबसे पहले इन्हें बताती हूँ कि ये आउटफिट अच्छा नहीं लग रहा, या फिर ये शूज तो मेरे आउटफिट से मैच नहीं कर रहे। सबसे अच्छा तरीका यही होता है। क्या आपके मन में कोई डर है जो आपको रोक रहा है? नहीं, कोई डर नहीं है, पर मैं सोचती रहती हूँ इसके बारे में, उसके बारे में, अपने हस्बैंड, घर और काम के बारे में, और मैं इन्हीं सब चीजों से घिरी रहती हूँ कि खुद का ध्यान ही नहीं रहता। ये हमेशा ही मुझे कहते हैं अपने बारे में सोचिए जब भी बाहर जाते हैं। ये हमेशा ही कहते हैं हमारे लिए शॉपिंग मत कीजिए, क्योंकि मैं इन्हीं के लिए चीजें लेती हूँ। मेरी मॉम भी ऐसा ही कहती है, पर मैं इसके लिए, उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर खरीदती हूँ। जब हम घर से बाहर निकलते तो बस पीछे से एक आवाज आती है, दरवाजे पर खड़े होकर मम्मा पूछती है, ये लिया, पानी लिया, सब ले लिया। आपको कहना चाहिए बड़ी हो चुकी हूँ। ठीक है, आप बड़े हो चुके हैं। आपकी मम्मी की यही खासियत है और मुझे लगता है हमेशा ऐसे ही रहेगी। पर आपको अब खुद पर भी थोड़ा सा ध्यान और थोड़ी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जो आप लोग कह रहे हैं और जो ये दोनों मुझे काफी लंबे समय से कहना चाहते हैं, मैंने उस बात को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। और अब जब आपने हमें इतना हक दे ही दिया है, और जैसा कि मैंने कहा हमारे बीच काफी ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग है, इसलिए मैंने और अखी ने डिसाइड किया है कि आपको एक अच्छा मेकओवर देंगे। और अब हम आपको कुछ रूल्स बताएंगे, आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे, पर अभी वक्त है गुड बाय कहने का साशा और नताशा को। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आगे देखिए बिजी मामा किस तरह ड्रेसअप होने के सही तरीके सीखती है। हमें लगता है फर्क करना बेहद जरूरी है घर और काम में। मैं बहुत बड़ा त्याग कर रही हूँ उसके लिए जिसे मैं ठीक से जानती भी नहीं। मेरे लिए ये पागलपन जैसा है। देखो कौन आया है। हम एक महामारी से गुजर रहे हैं, पता नहीं क्या किया जाए। 90 डे फियांसे द अदर वे, शुक्रवार और शनिवार रात 9:55 पर TLC पर। को पावर्ड बाय कोलगेट। Comfy A to Z bra. Bras for every occasion. Comfortable, stylish, fabulous every day. In Amazon, fabulous as I am. Hello, hello, bro. What's up?
आजकल पार्टीज में नहीं बुलाता, घर नहीं बुलाता। यू डोंट लव मी एनी मोर क्या? डूड, आई वॉज योर 4 AM फ्रेंड, योर 2 PM बड, एंड नाउ यू एक्ट लाइक अ स्ट्रेंजर। कॉल मी या और आई विल फ्राई माई सेल्फ टू डेथ। फ्राइड राइस जैसी आपकी कई फेवरेट डिशेस हेल्दी हो सकती हैं। बस उन्हें इंडिया गेट ब्राउन राइस से बनाओ और जम के खाओ। कभी स्टाइल दीवा रह चुकी लविंग पर अनफैशनेबल ममा शिल्पा ने अपने लुक को बदलने के लिए अपनी मर्जी से पहला कदम उठाया है जिसकी उन्हें जरूरत है। बहुत सारे क्लोथ हैं। हाँ, जानती हूँ। आपके पास कुछ अच्छे क्लोथ भी हैं। क्या आप वाकई उन्हें पहनती हैं? एक्चुअली यहाँ जो ड्रेसेस हैं, मैं इनमें से सिर्फ 10% ही पहनती हूँ और उन्हें कभी जल्दी फेंकती नहीं हूँ। पर हम आपको धीरे धीरे उसकी भी आदत डाल देंगे शिल्पा। हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप इनमें से अपने किन्हीं 2 फेवरेट आउटफिट्स को ट्राई करें और हम आपसे मिलेंगे 360 डिग्री मिरर रूम में। उसमें चारों तरफ मिरर्स लगे हुए हैं जहाँ आप खुद को कई एंगल से देख सकती हैं। ओके, करेंगी ना? सी यू देन। Oh my God. मैंने जीन्स और टी शर्ट पहनी है। वैसे मैं टी शर्ट हॉलीडेज में पहनती हूँ, या पिकनिक पर जाती हूँ तब पहनती हूँ, या फिर कभी कभार, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल लगती है और ये कुर्ती से अलग है जो मैं अक्सर पहनती हूँ। हेलो, हाय। इस तरफ ही देखिए। तो अभी आपने जो पहना है, फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने कहा कि आप इसे पहनकर पिकनिक पर जाती हैं या कहीं भी चली जाती हैं, सबसे पहले आपको टी शर्ट पहनना बंद करना पड़ेगा। या फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप चाहे तो थोड़ी सी लंबी पहन सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जरा घूम जाइए प्लीज। हाँ। थोड़ा अजीब है, आई नो, पर अगर मैं सच कहूँ तो हम सिर्फ प्रॉब्लम एरिया को कवर करना चाहते हैं। यहाँ आप कोई भी टी शर्ट पहने या फिर टॉप पहने, उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए। हाँ, और अच्छा रहेगा कि आप ऐसा कुछ पहने जिसके यहाँ पर करीब 4 inches तक खुला हो, क्योंकि वो अच्छी तरह ड्रेप हो जाएगा, साइड्स खुली होंगी तो मूवमेंट अच्छा आएगा। वैसा कुछ पहनना अच्छा रहेगा बजाय बॉक्स कुर्ता। हाँ, वो अच्छा लगेगा। जीन्स बहुत अच्छी है। आई लाइक, मुझे भी जीन्स पसंद आए। आप थोड़ा सा साइड में घूम जाइए, मुझे इसका कट बहुत अच्छा लगा और पैंट की शेप भी अच्छी लगी। ये एकदम परफेक्ट है। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया है। इसकी डिटेलिंग अच्छी है, नी के पास थोड़ी नैरो है, इसकी लेंथ नीचे तक है। ये बूट लेग नहीं, ये स्ट्रेट लेग है, पर नी से चिपकी हुई है। तो मेरे ख्याल से ये जीन्स आपके लिए बहुत ही फ्लैटरिंग है। तो प्लीज आप व्हाइट, बेज, खाकी भी ट्राई कर सकती है, जो कि कूल लगेंगे। स्लिम लगने के लिए डार्क पहनने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो क्या आप हमें अपना प्रोफेशनल लुक दिखाएंगी? हाँ बिल्कुल, ट्राई करती हूँ। लेट्स डू दैट, कम। मैंने कॉटन सलवार और कुर्ती पहनी है और मैं इसे अक्सर ग्रोसरी शॉपिंग या फिर मॉल में शॉपिंग के लिए पहनती हूँ, या फिर घर पर ही किसी मीटिंग के लिए पहन लेती हूँ। मैं इसे प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये कूल और कंफर्टेबल है, मुझे फिर पूरा दिन आराम रहता है। हेलो गेम। हाय। हम फिर से आ गए। हाँ, आपकी टिप्स के लिए वेट कर रही हूँ। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कंफर्टेबल रहना। पर ये भी बहुत जरूरी है कि आप फर्क कर सके घर और ऑफिस के बीच। हाँ, सही कहा। फर्क करने से मेरा मतलब है कि आपके आउटफिट्स अलग होने चाहिए। हाँ, सही कहा। मुझे सलवार पसंद आई और आपने जो कुर्ता पहना है उसका प्रिंट अच्छा है, और आप छोटे प्रिंट के सलवार भी पहन सकती है। ओके, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, नेक थोड़ा खुला होना चाहिए, ये थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगेगा। हम बस यही चाहते हैं कि कुर्ता थोड़ा सा और फेमिनिन लगे। और आपको कलर्स का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैंने बताया था, जैसे कि चिकन एम्ब्रॉयडरीज हो, डिटेलिंग हो या फिर पिंट। राइट, हम चाहते हैं कि लोग आपको देखें। यस, एब्सोल्युटली। ओके, तो बहुत हो गया व्हाट नॉट टू वेयर, अब थोड़ा हो जाए व्हाट टू वेयर। सबसे पहली बात, जब भी आप कुछ अलग तरह के क्लोथ ट्राई करना चाहें और ये सोच रही हो कि आप पर क्या अच्छा लगेगा, तो अपनी बॉडी शेप को देखिएगा। और आपकी बॉडी शेप डायमंड की तरह है। okay. जिसका मतलब ये है कि आपके शोल्डर्स और लेग्स नैरो हैं आपके मिड सेक्शन से। सो सबसे ज्यादा वेट आपकी बॉडी के मिडिल सेक्शन में है। और सही फिट के क्लोथ पहनने का मकसद है लोगों की नजर उस जगह ना जाकर आपके ओवरऑल लुक पर जाए। ओके, तो यहाँ पर 2 मैनिक्विंस हैं जिन्हें हमने ड्रेस पहनाई है, जिससे आपकी शेप अच्छी लगेगी।
सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंडियन आउटफिट से. ये रूबी रेड है, तो शेड जैसे कि टर्कोइज, एमरल्ड, कोरल आप पर बहुत ही अच्छे लगेंगे. ये बहुत ही सॉफ्ट सिल्क है और अच्छी तरह से ड्रेप हो जाता है. पहनने पर ये बल्की नहीं लगेगा. इसका नेक बहुत अच्छा है. ये एक बैंड कॉलर है, पर थिक बैंड कॉलर नहीं है जो कि चोक हो जाता है. ये स्मॉल है, डेलिकेट है. अगर आप चाहे तो एक दो बटन्स भी खोल सकती है. और ये जो दुपट्टा है ये प्रिंटेड है, तो जरूरी नहीं है कि आप इसे पुराने तरीके से ही ले. पूरा ड्रेप करना जरूरी नहीं है. आप चाहे तो इसे ऐसे भी डाल सकती है. कई सारे अलग स्टाइल से भी आप इसे पहन सकती हैं. या और ये चूड़ीदार भी काफी अच्छा है और कुर्ते से अलग लग रहा है. पहनने पर लोग इसे जरूर नोटिस करेंगे. That's right. वैसे ही ये आउटफिट जो कि यहाँ पर है एक वेस्टर्न आउटफिट है. इसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेंसी है. इसमें शर्ट पर भी थोड़ा सा वर्क है और अगर आप स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड कर लेती हैं तो आउटफिट में हमेशा ही एक फन एलिमेंट नजर आता है. इसमें आर्म्स बड़ी लगती है. मुझे ये यूथफुल टच पसंद आया. इसमें एक वेस्ट कोट भी है. मुझे लगता है ये बहुत ही फेमिनिन है. इससे आउटफिट और भी ब्राइट लग रहा है और लेयरिंग भी दिख रही है. मुझे ये पसंद आया. मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं पहना है पर अब जरूर पहनूंगी. बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं. वैसे ही ट्राउजर्स भी है. काफी न्यूट्रल कलर है. आप कुछ भी पहने ये उसके साथ मैच करेगा. ये स्ट्रेट कट पैंट है जो कि मेरे और आप जैसों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है. जरूरी और है कि पहनने पर आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए. जो मैं प्रेफर करती हूं कट बाकी किसी भी ट्राउजर से एकदम परफेक्ट है. तो हमने आपके लिए बहुत सारे रूल्स बना दिए हैं. तो शॉपिंग पर जाने से पहले हमें कुछ बहुत ही जरूरी काम करना होगा. हाँ, क्या है वो? हमें आपके वार्डरोब को चेक करना पड़ेगा और उसमें से कुछ चीजों को फेंकना पड़ेगा. तो हम अभी आपके सारे आउटफिट्स को चेक करेंगे. ये भी चैलेंज का हिस्सा है और हमें जो अच्छा नहीं लगेगा हम उसे हटा देंगे. Okay. ये बहुत बड़ा है. क्या आप खुद इसे हटा देंगे? या सबसे पहले आप से शुरू करते हैं. Yes. It's a big moment. Yeah. ये बहुत ही बुरा है सच में. ये सभी डाल देते हैं. ये बहुत ही शॉर्ट है. लगता है कि मैं किसी स्कूल के बच्चे की है. सोचिए अगर आप इस साड़ी को नहीं पहन रही हैं तो प्लीज इनसे आप इस तरह के फैबुलस लॉन्ग कुर्ता बना सकती हैं. चाहे तो इसके साथ इस तरह का चूड़ीदार बनवा सकती हैं. तो अगर आप साड़ीज नहीं पहनना चाहती तो उनसे आप बना सकती हैं कुर्ता. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. या तो मैं इन्हें पहनना शुरू कर दूं या फिर ये पूरे साल इसी तरह कबर्ड में पड़ी रहेंगी. हर चीज के बारे में बता दिया. कलर, स्टाइल और कट. और कल आप इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए शॉपिंग करेंगी. तो आपको इन सबको गुड बाय कहना पड़ेगा. पहले वाली शिल्पा को वापस लाना होगा. प्रॉमिस करती हूँ. ये मेरा वादा है. आगे देखिए मम्मी किस तरह गलत प्रिंट सिलेक्ट करेंगी. आई थिंक उन्हें फ्लोरल प्रिंट ज्यादा ही पसंद है. मुझे ये पसंद आया. नो, बिल्कुल नहीं. हम सीजन 2 के लिए एक्साइटेड हैं. अगर आपको सीजन 1 अच्छा लगा तो देखते जाओ. बहुत अच्छे और बुरे वक्त मेरे साथ है. उसने भी पूरी जिंदगी लोगों की मदद की है. सुपर हिट जो वापस आ गया है जहां सेलेब्स मदद करेंगे एक अलग अंदाज में. क्या इस किचन को थोड़ा प्राचीन बनाए. उन खास लोगों की जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी. हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं. भूल के भी मिस मत करना सेलिब्रिटी IOU. आज रात 8:05 पर TLC. Welcome to the afterlife. To do what I do, I need some idea of the threat we face. All I have for you is a word. Tenet. शिल्पा ने हमारी सारी बातों को माना और अपने सारे ओल्ड स्टाइल कुर्ता को गुड बाय कह दिया. पर क्या ये मम्मी सारे रूल्स को ध्यान में रखकर 30,000 rupees को सही तरह शॉपिंग के लिए यूज कर पाएंगी? ये मुझे पसंद है. कुछ ऐसा चाहिए जिससे मेरी स्किन टोन फेयर लगे. मुझे ये पसंद आया. ये फ्लोरल प्रिंट भी मुझे काफी पसंद आया है. ये मेरे लिए नहीं है. ये शायद उनके बताए हुए रूल्स के हिसाब से है और मुझ पर अच्छा लगेगा. आई थिंक उन्हें फ्लोरल प्रिंट बहुत पसंद है. वो एक नहीं बल्कि सेम प्रिंट से कई सारी चीजें पिक कर रही है. थोड़ा सा लॉन्ग है पर ट्राई करती हूँ. ये थोड़ा शॉर्ट है पर कोई बात नहीं. नो प्लीज. क्या वो साशा और नताशा के लिए शॉपिंग करने आई है? प्लीज मुझे बताएं कि कहीं आप उनके लिए तो शॉपिंग नहीं कर रहे हैं. हम उनसे कब से यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप अपने टीनेजर डेज को याद करिए और उसी स्टाइल को वापस लाइए. एब्सोल्युटली. उन्होंने मुझे ब्राइट कलर्स लेने के लिए कहा है. मैं श्योर हूँ कि ये मेरी स्किन टोन के साथ परफेक्ट लगेंगे. उन्हें कितना कॉन्फिडेंस है. हाँ है. मुझे ये बहुत पसंद आया है. इसे ले लेती हूँ. नो नो
वो वापस से वही उठा रही है अपने फ्लोरल पिन टक, कॉलर, शर्ट कॉलर। ये डार्क ब्राइट कलर है, इसमें ब्राइट फ्लावर्स बने हुए हैं, इसकी फिटिंग भी अच्छी है और मुझे लगता है लेंथ भी परफेक्ट है। बॉटम्स अच्छे हैं, ट्राउजर्स फैब लग रही हैं, पर उनके टॉप्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो क्यों ना हम जाकर उनके लिए कुछ सोफिस्टिकेटेड आउटफिट ढूंढें। प्लीज, हमें वो बहुत अच्छी लगती है। लेट्स डू दैट। ओके, लेट्स गो। मुझे प्रिंट पसंद है, इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, इसका नेक बहुत अच्छा है, पर मुझे लगता है इसकी फिटिंग कुछ ठीक नहीं है। और यहाँ आइए, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। मैं आपसे अग्री करता हूँ, ये नेक अच्छा है। मैं स्लीव्स को लेकर श्योर नहीं हूँ, पता है ये बहुत ही ज्यादा है या कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस टॉप की प्रॉब्लम है, इसकी सिंचिंग आपकी बॉडी के हिसाब से बिल्कुल गलत जगह पर है। किसी भी टॉप से प्रॉब्लम एरिया कवर हो सके, मुझे लगता है कि ट्राउजर फैब है। ट्राउजर मुझे बहुत पसंद है। देखते हैं आपने क्या खरीदा है। ओके, ये बहुत अच्छा है, ब्राइट कलर है, इसमें आप चाहे तो थोड़ी बटन्स खोल सकती हैं, लेंथ भी अच्छी है। और ये मुझे लगता है कि फिर से कुर्ता स्टाइल है। और इसकी भी बेल्ट गलत जगह पर है, जैसा कि आपने अभी पहना हुआ है। इससे ज्यादातर सबकी अटेंशन आपके वेस्ट एरिया पर ही जाती है और डायमंड बॉडी शेप पर ही अच्छा नहीं लगता है। मैंने पहली बार खुद के लिए चीजें सिलेक्ट की हैं और मैं काफी कंफ्यूज हूँ कि मैंने क्या खरीदा है और मैं क्या पहनूं, इसलिए मैंने बहुत से आउटफिट्स उठा लिए। पर आपने कोशिश तो की। हाँ, तो क्या हम साथ में शॉपिंग करें? जरूर। मुझे लगता है कि हमने कुछ बहुत अच्छे आउटफिट्स उठाए हैं। ट्राई करते हैं। कम शिल्पा, आइए आपको देखते हैं। बहुत अच्छी। आइए यहाँ देखते हैं। लेट्स लुक एट यू। ये बहुत ही प्रिटी है। मुझे इसके ऊपर का वर्क काफी पसंद आया। हमने इसके बारे में बात भी की थी। पिनटेक सही जगह पर है, यहाँ से नैरो है और उसके बाद यहाँ से इसका फ्लो अच्छा है, जो फ्लोरल टॉप में नहीं आ रहा था, वो आपकी प्रॉब्लम एरिया पर काफी टाइट था। आपको कुर्ता थोड़ा सा लूज पहनना चाहिए। मुझे लगता है कि ये काफी फेमिनिन भी लग रहा है और आपकी एज को भी सूट कर रहा है। अब बहुत स्वीट है। अब भी कुछ और पैसे बचे हैं। हाँ। तो आपने जो पहले खरीदा है उन्हें हटाकर कुछ और ले लीजिए जो आपके लिए परफेक्ट हो। ओके, सी यू। शिल्पा को थोड़ी एडवाइसेस देने के बाद उन्होंने 30,000 रुपीज से अच्छी शॉपिंग कर ली है। देखते हैं अब उनका मेकओवर कैसा लगता है। लेट्स सी यू शिल्पा। ओह माय गॉड, आप बहुत यंग लग रही है। आप फैबुलस लग रही है। आपके एक्सप्रेशंस मेरे लिए मिरर का काम कर रहे हैं। आप क्या बात है? मैं समझ गई हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। आप 20 इयर्स और छोटी लग रही हैं। खुद को देखने के लिए तैयार है? बिल्कुल। यहाँ आइए एंड ओपन। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं तो बिल्कुल अलग लग रही हूँ। और कितनी खूबसूरत, पहचान ही नहीं पा रही। कितनी खूबसूरत लग रही है इसमें। आप स्टनिंग लग रही है। जरा बालों की वेव्स को देखिए, थोड़ा सा मेकअप, आपकी आंखें खूबसूरत लग रही हैं। फैबुलस। और क्लोथ्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, वेरी सूटेबल, वेरी स्टाइलिश, वेरी एलिगेंट। और कलर भी अच्छा है। मुझे लगता है कि बेज ट्राउजर्स और नेवी ब्लू टॉप एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है। मुझे भी ये कलर पसंद है और फैब्रिक भी अच्छा है। ये फेमिनिन है, आप चाहे तो इसे काम पर भी पहन सकती है, मीटिंग्स में कहीं बाहर भी जा सकती है, बहुत ही वर्सेटाइल है। और सच कहूँ तो मुझे ये आपका नेक पीस भी अच्छा लगा, इसे लुक और एनहांस हो रहा है। हाँ, एक अलग ही लुक दे रहा है। बहुत ही कूल है और आपकी एज के साथ भी परफेक्टली जा रहा है। हमें तो ये बिल्कुल क्लासी लग रहा है। तो आप हमें कुछ और पहन कर दिखाना चाहेंगी? हाँ, एक और आउटफिट। हाँ, क्यों नहीं। कम ऑन इन शिल्पा, देखते हैं अभी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये बहुत ग्लैमरस है, मैंने आपको पहले से कभी नहीं देखा। आ जाइए यहाँ। मैं आंखें बंद कर लूं? तरांग। ये ब्यूटीफुल है और आप बहुत चार्मिंग लग रही हैं। आज तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह की फ्लोइंग ड्रेस को पहन पाऊंगी। इस तरह का अनारकली कुर्ता मैंने सोचा ही नहीं था, पर इस दुपट्टे के साथ मुझे लगता है